हेलो माय फ्रेंड, स्वागत है आपका गैस स्टेशन सिमुलेटर की एक और न्यू गेम प्ले वीडियो में। पिछले पार्ट में हमने जो अपना वेयर हाउस है ना, इसको अपग्रेड कर लिया था, और आज की गेम प्ले वीडियो में है ना, जो अपने चाचा जी का पुराना वर्कशॉप होता था ना, इसको भी मैं शायद अपग्रेड कर लूं। लेकिन इसको अपग्रेड करने से पहले है ना, हमने पिछले पार्ट में कुछ लोन लिया था। आप ये मान लो लगभग हमने है ना $1100 का लोन लिया था, और अब उस लोन को है ना चुकाना पड़ेगा, क्योंकि जिस बंदे से मेरे चाचा जी ने वो लोन दिलाया था ना, उस बंदे का यार मेरे पास है ना बार बार फोन आ रहा है कि भाई लोन चुका दे, लोन चुका दे, वरना मैं ये कर दूंगा, तेरी दुकान तोड़ दूंगा। मतलब कि बहुत ही कुछ गंदा गंदा बोल रहा है, तो एक बार है ना उसको रोकने के लिए। वैसे अभी अपने को लोन चुकाने के लिए ना 1 मिनट 50 सेकंड बाकी है, लेकिन यार मैं लोन चुकाऊं कैसे, क्योंकि मेरे पास अभी है ना $1131 है, और जो अपना लोन है ना भाई, वो मैं आपको दिखा देता हूं। हमने है ना पिछले पार्ट में $1100 का लोन लिया था, $1131 में से अगर मैंने इसको 1100 दे दिए, तो भाई हमारे पास सिर्फ और सिर्फ $31 बचेंगे। तो मैं अभी है ना इसको कुछ भी नहीं देने वाला। एक काम करता हूँ, मैं ना इसको $10 दे देता हूँ, ठीक है? मैंने इसको $10 दे दिए, क्या पता भाई ये थोड़े टाइम के लिए मान जाए और मेरे पास दोबारा है ना कॉल ना करे, तो भाई देखते हैं। टाइम नहीं भाई, टाइम अभी भी चल रहा है, तो अभी हमारे पास है ना 30 सेकंड और बाकी हैं, बाकी हम इसका है ना लोन चुका सकते हैं। यार क्या करूं मैं, चुकाऊं या रहने दूं? अगर चुका दिया तो यार मेरे को है ना जैसे ये वाली चीज अपग्रेड करनी है, तो ये वाली चीजें मैं आज नहीं कर पाऊंगा। एक काम करते हैं, अभी हमारे पास है ना पैसे की बहुत ही ज्यादा कमी है, तो मैं अभी लोन नहीं चुकाने वाला, उसका वेट ही कर लेते हैं भाई, देखते हैं क्या करेगा वो आने के बाद। तो अभी हमारे पास 10 सेकंड बाकी हैं, देखते हैं क्या होता है। चलो भाई उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, 2 1 ओके। और बंदा भाई बाइक पे आ चुका है, जो कि बहुत ही तगड़ी बाइक है, और हाथ में है ना भाई साहब बिंडा लेके आया। यार पिछली बार तो इसने लात घुसे मारे थे, अब की बार शायद बिंडे से पिटाई करेगा। ओके, और इसने पता नहीं भाई क्या तोड़ा है, बहुत ही ज्यादा शोर होया था, ठीक है। और बंदा शायद तोड़ फाड़ पीट फाट के जा चुका है, तो ये बोल रहा है यू फेल्ड टू पे यूर डेबिट इन टाइम, ठीक है आपने ना टाइम से लोन नहीं चुकाया, इसके लिए आपकी 100 माइनस पॉपुलरिटी की जा चुकी है। भाई साहब ये तो बहुत ही ज्यादा गलत बात है यार, अपनी पॉपुलरिटी देखो, मैंने पिछले पार्ट में अपने को है ना समझ में नहीं आया था कि पॉपुलरिटी क्या चीज है, तो पॉपुलरिटी से हमारा है ना लेवल अप होता है। और अभी लोन चुकाने से पहले हमारे पास है ना 88% शायद पॉपुलरिटी थी, अभी हमारी पॉपुलरिटी 0 हो चुकी है। अगर हमारी पॉपुलरिटी 100 हो पाएगी ना, उसी के बाद मैं नेक्स्ट टास्क कर पाऊंगा। तो पॉपुलरिटी को बढ़ाने के लिए है ना अपने यहाँ पे कस्टमर आने चाहिए, और कस्टमर आएंगे भाई गैस स्टेशन को ओपन करने के बाद। इस बंदे का तो यार मेरे को लोन चुकाना ही पड़ेगा, क्योंकि बहुत ही ज्यादा खतरनाक बंदा है भाई। अगर मैं अभी दोबारा से 99% पॉपुलरिटी कर लूं, और दोबारा से भाई टाइम यहाँ पे चल पड़ा ना, और मैंने लोन नहीं चुकाया, तो भाई हमारी दोबारा से पॉपुलरिटी 0 हो जाएगी, और मैं नेक्स्ट टास्क नहीं कर पाऊंगा। तो एक बार भाई इसका लोन चुकाना ही पड़ेगा, और लोन चुकाने के लिए अपने यहाँ पे आने चाहिए कस्टमर, और कस्टमर आने के बाद भाई उनकी गाड़ियों के लॉक तोड़ तोड़ के मैं पैसे काफी ज्यादा चोरी करने वाला हूँ। ओके, शरारती बच्चा शायद दोबारा से आ चुका है। भाई साहब अभी भी मेरे को यार उसकी ये रहा भाई, मैं भी बोलूं मेरे को आवाज तो आ रही है, लेकिन दिख नहीं रहा भाई क्या करने वाला है। देखना भाई कितनी दीवार मस्त पेंट कर रखी है, अभी खराब कर देगा यार ये, कर दे भाई। देखना यार क्या चीज लिख के गया भाई, मैं दिखा भी नहीं सकता वीडियो में, क्योंकि मेरी वीडियो है ना बच्चे भी देखते हैं, तो भाई इसको लिखने देते हैं, क्या ही कर सकते हैं इसका। एक बार जो अपने गैस स्टेशन में कचरा पड़ा हुआ है ना, इसको मैं साइड में कर देता हूँ, अभी हमारे गैस स्टेशन पे काफी सारे कस्टमर आने वाले हैं। ओके, और अपना जो ये वाला कचरे वाला बैग है ना, इसको निकाल लेता हूँ मैं, यहाँ से सारा का सारा कचरा उठा लेता हूँ। ओके, और जो अपना ये वाला बंडल सा पड़ा हुआ है ना कचरे का, इसको भी मैं एक बार बाहर निकाल देता हूँ। ओके, और इसने भाई गैस स्टेशन के बिल्कुल सामने ही बहुत ही ज्यादा गंदी चीज बना दी है, तो एक बार मैं है ना इसको पेंट कर देता हूँ। ओके, इसको पेंट कर देते हैं भाई, आप अपनी आंखें बंद कर लेना एक बार। चलो यहाँ पे मैंने पेंट कर दिया है, अभी अपने पास है ना एक कस्टमर आ चुका है, और देखते हैं हम एक कस्टमर से कितनी ज्यादा पॉपुलरिटी हासिल कर सकते हैं। तो इसको एक बार तेल डाल देते हैं। ओके, तेल डल चुका है, और एक गाड़ी में तेल डालने से हमारी 7% पॉपुलरिटी हो चुकी है। तो धीरे धीरे मैं एक बार पॉपुलरिटी को शो कर लेता हूँ, और पिछले पार्ट में मैं शायद इस वाले पार्ट के बारे में आपको बताना भूल गया, तो मैंने मेरे चाचा जी से फोन करके पूछा था कि भाई जो आपका जो पीसी पड़ा है ना मेरे गैस स्टेशन में, क्या मैं उसको कबाड़ खाने में बेच दूं? तो मेरे चाचा जी ने बोल दिया था कि भाई आप है ना उसको बेच सकते हो। वैसे भी अब है ना ये काफी सारी पुरानी चीजें हो चुकी है, अब ये है ना कोई भी काम की नहीं है, तो एक बार ये वाली चीजें भी मैं गिरा देता हूँ। पहले मेरे चाचा जी है ना यहीं से अपने गैस स्टेशन को संभालते थे, जैसे मैं यहाँ से संभालता हूँ। तो हमारे पास एक कस्टमर आ चुका है, तो तेल डालने से तो हमारी पॉपुलरिटी 7 हुई थी, अभी सामान देने से देख लेते हैं हमारी पॉपुलरिटी कितनी होती है। तो अभी अपनी पॉपुलरिटी है ना पूरी 13% है, देखते हैं एक बार।
ओके, इसको सामान दे दिया है और अभी हमारी है ना 20 हो चुकी है। मतलब एक बंदे से भाई जे तेल डलवाए या कुछ सामान खरीदे, एक बंदे से हमारी 7% पॉपुलरिटी बढ़ जाती है। ठीक है, एक बंदा और आ चुका है तो एक बार मैं है ना जल्दी से भाई 100% पॉपुलरिटी कर लेता हूँ, उसी के बाद मैं नेक्स्ट टास्क कर पाऊंगा। तो एक बार है ना भाई गाड़ी देख ले। ओ भाई साहब कितनी सारी गाड़ियां आ रखी है हमारे पास, अभी बिल्कुल सही मौका है चोरी करने का। तो जल्दी से मैं तेल डाल देता हूँ। ओके, और हमारी अचीवमेंट अनलॉक हो चुकी है पता नहीं किस चीज की। तो एक बार चोरी करने के लिए है ना अपना जो ये वाला औजार है ना ये निकाल लेता हूँ, और इसकी डिग्गी पे भाई अभी चोरी करने वाला था, अभी इसका मालिक आ गया। क्या यार किस्मत ही खराब है अपनी। तो यहाँ पे एक और गाड़ी खड़ी है और इसके अंदर है ना मास्टर लॉक है, मास्टर लॉक को पता नहीं भाई मैं खोल पाऊंगा या नहीं। तो एक बार देखते हैं हम कैसे खुलेगा। ठीक है ठीक है ठीक है, खुल जाएगा। ठीक है ओके, खोल दिया भाई। पूरे $25 हमको है ना इस गाड़ी से मिल चुकी है। भाई साहब कितना मस्त काम है यार, गैस स्टेशन बंद करके हम यही काम शुरू कर दे तो अच्छा नहीं है क्या? ठीक है, हमारे पास एक और गाड़ी है, इसके अंदर भी मास्टर लॉक है भाई। अब तो मैं कोई भी मास्टर लॉक खोल दूंगा। ठीक है, यहाँ से इसको, ठीक है ये शायद इस साइड से खुल जा भाई। क्या हो गया सच्ची में, अब खोल दूंगा। ओके, और ये वाला भी खोल दिया भाई। इसके अंदर है ना हमको पूरे $12 मिल चुके हैं। तो ये वाला भाई बहुत ही ज्यादा मस्त काम लग रहा है यार मेरे पास। अभी हमारे पास एक और कस्टमर आ चुका है, एक बार इसको है ना अंदर जाने देते हैं, उसी के बाद मैं चोरी बिठाऊंगा यहाँ पे तगड़े वाली। ठीक है, इसके अंदर जाते ही भाई मैं इसका लॉक खोल दूंगा, क्योंकि अब मैं है ना इस काम में बहुत ही ज्यादा एक्सपर्ट हो चुका हूँ, तो अब मैं कोई भी लॉक खोल सकता हूँ। ठीक है, यहाँ से नहीं खुलेगा, थोड़ा सा ऊपर करना है। ओके, थोड़ा सा और ऊपर। ओके, और ये वाला भी खोल दिया। इसके अंदर हमें है ना पूरे $6 मिले हैं। तो अभी हमारे पास है ना एक कस्टमर भी आ रखा है। एक काम करता हूँ, हमारे पास है ना फ्यूल भी लो हो चुका है, तो जल्दी से मैं पीसी पे चल के एक बार तो है ना $100 का मैं तेल मंगवा लेता हूँ। ओके, मैंने ऑर्डर कर दिया और हमारे पास है ना दो कस्टमर भी आ चुके हैं, तो इनको भी एक बार सामान दे देता हूँ। ओके, चलो नेक्स्ट आओ भाई, इसको तो सामान दे दिया, अभी दूसरे की बारी है। चलो ये भी निपटा दी है। और हमारे यहाँ पे भी है ना हमारी सिगरेट भी खत्म हो चुकी है यार, मेरे को सिगरेट वगैरह भी मंगानी पड़ेंगी। और यहाँ पे अपनी एल्कोहल तो काफी सारी है, और यहाँ पे अपने स्नैक्स वगैरह भी काफी हैं, बाकी बस अपनी सिगरेट ही ज्यादा खत्म हो गई। मैंने पिछले पार्ट में बताया था ना कि भाई यहाँ पे है ना सिगरेट बहुत ही ज्यादा पीते हैं लोग। तो एक और पुलिस वाला आ चुका है, इसको भी मैं जल्दी से निपटा देता हूँ। और भाई पुलिस वाला होके इसने है ना गंदगी गिराई है, देखना यार यहाँ पे अभी अभी इसने ये वाली गंदगी गिराई है। क्या यार तू भी। ठीक है, इसको मैं है ना एक बार यहाँ पे छोड़ देता हूँ इसके अंदर। ओके, और हमारे पास एक तेल डलवाने भी आ चुका है बंदा, तो इसको भी मैं तेल डाल देता हूँ फटाफट। ऑल राइट गाइस, हमने इसको भी तेल डाल दिया है मतलब इसकी गाड़ी में। और भाई मैंने जो ऑर्डर दिया था ना अभी तक वो बंदा नहीं आया भाई तेल लेके। भाई पहले ही हमारे गैस स्टेशन पे फ्यूल लो है यार, कहाँ पे रह गया तू? दोबारा से देखता हूँ डिलीवरी पे जाके, पता नहीं यार अपना तेल वाला टैंकर क्यों नहीं आया अभी तक। और आपको मैं एक और बात बता दूं भाई, उस टाइम है ना हमने ध्यान नहीं दिया, तो अभी मैं ध्यान दिया तो अभी आपको मैं बता देता हूँ। हमने भाई जो लोन लिया था ना वो पैसे भाई चुका ही देने चाहिए थे, क्योंकि वो बंदा आया तोड़ फोड़ करके गया, हमारी -100 पॉपुलरिटी करके गया और पैसे भी लेके गया। भाई देखो अभी हमारे पास $233 बचे हुए हैं, तो कुछ डॉलर मैंने यहाँ से कमा लिए। इसका मतलब है ना वो पैसे भी ले गया, तोड़ फोड़ भी कर गया और हमारी 100 माइनस पॉपुलरिटी भी करके चला गया। भाई चलो यार कोई बात नहीं, हम धीरे धीरे और पैसे कमा लेंगे। अभी हमारे पास एक और कस्टमर आ चुका है, शायद ही मैं इसको तेल डाल पाऊं, क्योंकि मेरे को नहीं लगता कि अब अपने फ्यूल स्टेशन पे इतना सारा तेल होगा। ये देखो भाई नो फ्यूल, फ्यूल अपना खत्म हो चुका है, लेकिन भाई वो ट्रक वाला क्यों नहीं आया फ्यूल लेके। यहाँ पे चलते हैं और फ्यूल सप्लाई पे दोबारा से, वेटिंग फॉर एन ऑर्डर। पता नहीं यार पिछली बार ऑर्डर हुआ भी है या नहीं हुआ। तो यहाँ पे अपने को है ना 100 लीटर तेल $200 का पड़ रहा है, तो अभी है ना काफी हाई रेट चल रहा है तेल का। ठीक है, मैंने दोबारा से ऑर्डर कर दिया है, शायद अभी आ जाएगा। जब तक हमारा ट्रक तेल लेके आता है ना, जब तक मैं, भाई क्या चेयर लगी है भाई इसके मुंह पे, बहुत ही गंदे वाली चेयर लगी है इसके मुंह पे। तो मैं बोल रहा था यार जब तक हमारा तेल आता है ना, ये वाला जो चाचा जी का पुराना सामान है ना इसको भी मैं कबाड़ खाने में डाल देता हूँ। ओके, और ये पता नहीं भाई कैसे निकलेगा, क्योंकि इसको निकालने में ना बहुत ही ज्यादा, ओके निकल चुकी है, इतनी भी ज्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, इसको भी डाल देते हैं। और भी यहाँ पे काफी सारा सामान पड़ा है, लेकिन उससे पहले है ना हमारे पास एक कस्टमर आ चुका है, तो इसको मैं एक बार निपटा देता हूँ। और ये बंदा भाई सिर्फ और सिर्फ एक
दारू की बोतल ही लेके जा रहा है भाई। दारू के साथ कुछ खाने का भी तो चाहिए यार, वो भी तो लेके जाया करो। ठीक है, इसने भाई दारू की बोतल ले ली है और अभी ये भाई मस्त पिएगा आराम से गाड़ी में बैठ के। तो हमारे पास एक और कस्टमर आ चुका है, पता नहीं है कुछ क्या हो गया भाई, इतनी गंदी तरह से क्यों देख रहा है भाई। अंदर किस लिए आया था अगर तेरे को कुछ? अच्छा, ठीक है, अच्छा बंदा है भाई, अच्छा बंदा है। क्योंकि अंदर है ना अपने डस्टबिन रखा हुआ है और डस्टबिन के अंदर इसने है ना कुछ डाला है। ओके, और अभी जो अपना डस्टबिन है ना इसका कूड़ा निकाल के मैं बाहर फेंक के आता हूँ, क्योंकि जहाँ पे भी अपना कूड़ा हो जाता है ना वहाँ पे बहुत ही ज्यादा मक्खियाँ आ जाती हैं यार, पता नहीं कैसे। ठीक है, इसको भी मैं इसके अंदर डाल देता हूँ। और अपना जो पेट्रोल वाला टैंक है ना वो भी आ चुका है, तो अभी अपनी सारी चीजें ठीक होने वाली हैं और अपनी पॉपुलरिटी भी पूरी 80% हो चुकी है। तो यहाँ पे इसने पाइप लगा दी है और इसको ओपन कर देते हैं। अभी अपने आप तेल डलना ऑटोमेटिक शुरू हो जाएगा, तेल डलना शुरू हो चुका है और अभी शायद हमारे सामने कस्टमर भी आ चुका है, तो इसको है ना जल्दी से भाई तेल डाल देते हैं फटाफट। ओके, चलो भाई हमारी पॉपुलरिटी पूरी 87% हो चुकी है, अभी बस 13% की ही कसर है और 7% हमें यहां से मिल जाएगी। इलोन मस्क भाई साहब, भाई इलोन मस्क में शक्ल मिलती है यार बंदे की, देखना। हाँ भाई मिलती तो है 50%। ठीक है, इलोन मस्क देख लेते हैं भाई क्या खरीदता है हमारी दुकान से। कुछ नहीं भाई, स्नैक्स वगैरह ही है। ओके, दारू भी पीता हमारा इलोन चाचा, और यहाँ से कुछ बिस्कुट्स वगैरह है। ठीक है, और इसको भी यहाँ पे रख देते हैं। अब हमारी पॉपुलरिटी है ना पूरी 93% हो चुकी है, बस हमें 7% की जरूरत है और 7% हमारे सामने ही खड़ा है पुलिस वाला। इसके साथ हमारी 7% और पूरी 100% हो जाएगी पॉपुलरिटी, उसके बाद ही शायद मैं कुछ चीजें नहीं कर पाऊंगा, नेक्स्ट टास्क कर पाऊंगा। ठीक है, यहाँ से भी भाई इसको फारिग कर देते हैं। ओके, और ये लो भाई हमारा टास्क कंप्लीट हो चुका है, अभी देखते हैं पॉपुलरिटी लेवल अप। हम पॉपुलरिटी के लेवल 2 पे जा चुके हैं। ओके, और कुछ चीजें शायद यहाँ पे चेंज होती हैं, यहाँ से शायद कुछ कूड़ा करकट उठ गया क्या। ओके, पॉपुलरिटी हमारी 100 हो चुकी है, दोबारा से लेवल 2 आ चुका है और हमारे पास नेक्स्ट टास्क भी आ चुका है कि बाय ए वर्कशॉप फ्रॉम मैन पीसी टैब। ठीक है, जो अपनी ये वाली वर्कशॉप है ना जो मैंने वीडियो शुरू होते ही बताया था, एक मिनट मैं दोबारा से दिखा देता हूँ। अपनी जो ये वाली वर्कशॉप है ना अभी इसको मैं अपग्रेड करने वाला हूँ, और अपग्रेड करने के बाद देखना भाई अपनी वर्कशॉप कितनी मस्त हो जाएगी। तो ये वाली भाई अपनी वर्कशॉप है, देखो अभी कैसी दिख रही है, और अभी मैं इसको अपग्रेड करूंगा ना उसके बाद देखना कितनी मस्त हो जाएगी, देखना भाई कितनी गंदी सी है ये। ठीक है, तो जल्दी से है ना पीसी पे जाके इसको अपग्रेड कर देता हूँ। हमारे पास एक और कस्टमर आ चुका है, तो यहाँ पे चल के, और भाई मैंने बोला था ना पैसे नहीं होंगे तो मैं ये चीजें नहीं कर पाऊंगा, तो इसको है ना अपग्रेड करने के लिए हमें $300 लगेंगे और अभी हमारे पास है $128, तो मेरे को लगता है दोबारा से लोन लेना पड़ेगा भाई। पता नहीं वो मेरे को लोन देगा या नहीं देगा, तो लोन ले लेते हैं, और लोन भाई उस बंदे ने दे दिया, मतलब अच्छा बंदा है भाई। चलो ठीक है, तो एक बार मैं है ना इसको अपग्रेड कर लेता हूँ अपना। ओके, हमारी वर्कशॉप परचेज मैंने कर ली है, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ जाके। हमारे पास 2 कस्टमर भी आ चुके हैं, और यहाँ पे यार गंदगी मत फैलाया करो भाई बस। ठीक है, तो मैं आपको है ना एक बार मेरी वर्कशॉप दिखा देता हूँ कि भाई अपग्रेड होने के बाद हमारी वर्कशॉप कैसी दिखती है। ये देखो यार हमारी वर्कशॉप कितनी ज्यादा तगड़ी लग रही है भाई, देखना यहाँ पे स्टेयर्स वगैरह भी है और इनके साथ मैं ऊपर भी चढ़ सकता हूँ। तो अभी है ना काफी सारी रात हो चुकी है, और यहाँ पे देखो भाई अपनी वर्कशॉप कितनी मस्त है भाई अंदर से। यहाँ पे है ना काफी सारी चीजें अपनी वर्कशॉप के अंदर, टायर हैं, अगर किसी को टायर बदलवाना होगा तो हम यहाँ से टायर वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। और ये क्या भाई, ये शायद मिरर वगैरह है, मिरर वगैरह भी चेंज कर सकते हैं, और यहाँ पे गाड़ी को लगा के उसको उठा सकते हैं, मतलब जो भी गाड़ी में खराबी होगी ना वो सारी की सारी चीजें हम ठीक कर सकते हैं। और ये सारी की सारी चीजें अभी मेरे को ही करनी पड़ेंगी, और यहाँ पे भी अपने पास एक पीसी है। ठीक है, इन सारी चीजों का तो भाई बाद में ही पता चलेगा जब हमारे पास गैराज में कोई कस्टमर आएगा। जब तक हमारे पास है ना यहाँ पे कस्टमर आ रखे हैं, इनको निपटा देते हैं। तो यहाँ पे एक गाड़ी वाला आ रखा है, तेल डाल देते हैं फटाफट। ओके, और यहाँ पे भी हमारे पास 2 और 2 4 कस्टमर, मतलब भाई अपना लेवल 2 होने के बाद है ना कुछ ज्यादा ही कस्टमर आने लग गए अपने गैस स्टेशन के ऊपर, तो इनको भी निपटा देता हूँ फटाफट। चलो एक बंदा निपटा दिया, चलो नेक्स्ट आओ। चलो पुलिस वाला भी यहाँ से निपट चुका है, और एक मोहतरमा भी आ चुकी है भाई, इसने भी कुछ खरीदा है। तो एक बार है ना यहाँ पे भाई अभी किसी ने हॉर्न बजाया था, ठीक है बाद में देख लेंगे। एक बार जो ये वाले कस्टमर है ना इसी को निपटा लेता हूँ, यार कितना ज्यादा काम है भाई यहाँ पे। और एक कस्टमर शायद हमारे गैराज के अंदर भी आ चुका है, और यहाँ पे हमारा नेक्स्ट टास्क भी यही है कि भाई वेट फॉर द क्लाइंट इन द वर्कशॉप एंड फिक्स हिज कार। तो हमारे पास है ना गैराज के अंदर एक कार आ चुकी है, और दोबारा से भाई 6:25 हो चुकी है, हमारे पास ये वाली कार है,
इसके अंदर देख लेते हैं हमें क्या क्या चीजें करनी पड़ेंगी। तो अभी है ना, हमें ये वाली कार ठीक करनी है और इसके मालिक साहब यहाँ पे खड़े हैं। तो कार ठीक करने से पहले है ना, एक बार इसको मैं यहाँ से उठा देता हूँ। ठीक है, गाड़ी अपनी उठ चुकी है। उठने के बाद है ना, टायर वगैरह बहुत आसानी से मैं खोल सकता हूँ। एक बार देख लेते हैं इसकी गाड़ी में क्या क्या दिक्कत है। तो शायद इसका है ना, ये वाला टायर फटा हुआ है, और यहाँ पे जाके देखेंगे तो शायद, एक मिनट, शायद इसका ये वाला शीशा है ना, ये भी डैमेज है। तो काफी सारी चीजें अभी इसकी गाड़ी में हमें करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो एक बार मैं है ना, जो सबसे बड़ा काम है ना, वही कर लेता हूँ। सबसे पहले जो इसका टायर फटा हुआ है ना, इसको ही खोल लेता हूँ। और इसको खोलने के लिए है ना, सबसे पहले हमें नया टायर यहाँ पे लाना पड़ेगा। ओके, ये वाला नया टायर मैंने उठा लिया है और इसकी गाड़ी में यहाँ पे लगा देता हूँ। अभी है ना, इसके ये वाले जो स्क्रू है ना, ये खोलने पड़ेंगे पुराने टायर वाले। देखना यार कितना खराब सा हो रखा है इनका टायर, मतलब पूरा फट ही चुका है। अभी देखना, इसके अंदर मैं मस्त नया टायर डाल दूंगा। इसको हटा भाई, पुराने टायर को, ये अपने कबाड़ में जाएंगे और पैसे कमाएंगे। ठीक है, नया वाला टायर मैं यहाँ पे फिक्स कर देता हूँ और यहाँ पे पांचों के पांचों स्क्रू मैं टाइट कर देता हूँ। ओके, ठीक है, ये वाला टायर का काम हो चुका है। और अभी जो इसका शीशा है ना, ये वाला, ये भी मेरे को ठीक करना पड़ेगा। तो शीशे हमारे पास कहाँ पे है, ये रहे भाई अपने पास ग्लास। और यहाँ पे जाके इसको है ना ऐसे फिक्स करना है। उसके बाद जो ये टूटा हुआ कांच है ना, इसको निकाल देना है और नया वाला भाई फिट कर देना है। ये देखो कितना मस्त भाई शीशा चमक चुका है। अभी देख लेते हैं इसकी गाड़ी में और क्या दिखते हैं। तो शिफ्ट दबाने के बाद है ना, हमें पता चल जाता कि ये बंदा भाई क्या कराना चाह रहा है अपनी गाड़ी में। तो शायद ये वाली खिड़की के क्या कराना चाहता है, एक मिनट रुको, यहाँ पे जाके देखते हैं। स्क्रैच रिमूवर, तो स्क्रैच रिमूवर है क्या हमारे पास, एक मिनट चेक कर लेते हैं। ओके, शायद ये रहा भाई अपने पास स्क्रैच डॉक्टर। तो ये वाला सुआ सा है ना, इसको उठाना है और यहाँ पे जाके जो ये वाली खिड़की है ना, इसके ऊपर हमें फिक्स कर देना है। उसके बाद देखना भाई, कोई जानवर ने शायद हमला कर रखा है भाई इसके ऊपर। ये वाले स्क्रैच है ना, मैं सारे के सारे हटा देता हूँ। चलो चलो चलो, ओके, स्क्रैच वगैरह भी मैंने हटा दिए और अपना टास्क भी कंप्लीट हो चुका है। ऑर्डर कार पार्ट्स टू रिस्टॉक योर सप्लाईज। ठीक है, शायद अपने को है ना यहाँ पे कुछ ऑर्डर करना पड़ेगा, उसी के बाद हमारा ये वाला टास्क भी कंप्लीट हो पाएगा। तो मैं है ना जल्दी से चल के, अपने पास दो कस्टमर और आ चुके हैं, तो यहाँ पे जाके डिलीवरी पे जाके, और आइसक्रीम नहीं, अभी आइसक्रीम वाला ऑप्शन ओपन नहीं हुआ, कार पार्ट्स वाला हुआ है। तो यहाँ पे जाके इसको क्लोज कर देते हैं एक बार, और यहाँ पे चल के है ना हम ये वाला स्क्रैच रिमूवर लें। स्क्रैच रिमूवर तो बाकी काफी सारे पड़े हुए हैं हमारे पास, बाकी तीनों चीजें अपने पास पड़ी हुई हैं। एक बार है ना जो सस्ती सी चीज है ना, वो मंगवा लेता हूँ ताकि मेरा टास्क कंप्लीट हो जाए। तो इसको ऐड टू कार्ट कर देते हैं और यहाँ से ऑर्डर होता था। ओके, और यहाँ से ऑर्डर कर देते हैं। ठीक है, मैंने ऑर्डर कर दिया है और अपना टास्क भी कंप्लीट हो चुका है। अभी है ना हमें वेट करना है डिलीवरी वाले का, मतलब जो भी मैंने सामान मंगाया है ना वो लेके आएगा, उसका वेट करना है। जब तक मैं यहाँ पे दो कस्टमर आ रखे हैं, इनको निपटा देता हूँ। ओके, सुपर सर, सुपर, नेक्स्ट आओ भाई, नेक्स्ट आओ, जल्दी जाया करो यार। सुपर बोलने में इतना ज़्यादा टाइम लगा देते हैं यार, इतना टाइम तो मैं इनको सामान देने में भी नहीं लगाता। देखना, अच्छा ये क्या दिक्कत आ गई, शायद जो अपनी कन्वेयर बेल्ट है ना, इसके ऊपर काफी ज्यादा धूल मिट्टी जम चुकी है, तो इसको साफ करना पड़ेगा। Nice. और इसको साफ करने के लिए ना, एक मिनट इसको जाने देते हैं। इसको साफ करने के लिए पहले हमारे पास कोई कस्टमर होना चाहिए, उसी के बाद मैं कन्वेयर बेल्ट को साफ कर पाऊंगा। तो ठीक है, शायद हमारे पास है ना डिलीवरी वाला आ चुका है, एक बार मैं जाके देख लेता हूँ। नहीं, अभी तो नहीं लगता कि कोई आया होगा, अभी तो कोई नहीं आया है, एक बार आने देते हैं भाई डिलीवरी वाले को। ठीक है, और डिलीवरी वाला वो आ गया भाई, सामने से आ रहा है। ओके, ये आ गया भाई अपनी डिलीवरी लेके। ये वाला ट्रक है ना, अपनी गाड़ियों के पार्ट्स वगैरह लेके आता है, और जो भी सामान हम मंगवाते हैं ना, वो सारा का सारा अपना वेयर हाउस में ही जाता है। तो नेक्स्ट पार्ट में है ना, मैं वेयर हाउस को इतना मस्त चमका के मिलूंगा आपसे, देखना आप, इतना मस्त कलर करूंगा अपने वेयर हाउस को। ठीक है भाई, एक मिनट रुक जा, मैं खोलता हूँ यहाँ पे जाके, और जो अपना मेन गेट है ना, वहां से मैं खोल देता हूँ ताकि ट्रक को मैं अंदर लेके आ सकूँ। तो यहाँ से ट्रक, तो यहाँ से इसको, अरे भाई बंद हो गया, एक मिनट एक मिनट एक मिनट यार। ठीक है, खोल दिया और ट्रक अपना अंदर आ चुका है। ओके, और यहाँ से भी खोल देते हैं, मक्खी भाई कितनी ज्यादा हो रखी है। ओके, यहाँ से मैंने अपना सारा का सारा सामान उठा लिया है और यहाँ पे मैं है ना रख देता हूँ। अपना ये वाला टास्क भी कंप्लीट हो चुका है, रिफिल दी सेल्फ इन दी वर्कशॉप न्यू पार्ट्स। ठीक है, अभी जो हमने सामान भाई बहुत ही ज्यादा जल्दी रहती है ट्रक वाले को। ठीक है, फिर भी मैंने गेट तो बंद कर ही दिए। तो हमारे पास नेक्स्ट टास्क क्या है, रिफिल दी सेल्फ इन दी वर्कशॉप एंड न्यू पार्ट्स। तो जो अपनी वर्कशॉप है ना भाई, इसके अंदर चल के जो अभी हमने पार्ट्स वगैरह मंगाए हैं ना यहाँ पे, वो रिफिल करने पड़ेंगे सेल्फ के अंदर। शायद हमने है ना शीशे मंगवाए थे, तो मैं यहाँ पे चल के है ना शीशों को यहाँ पे ऑल प्लेस कर देता हूँ।
चलो अपना ये वाला टास्क भी कंप्लीट हो चुका है। अभी क्या करना, कंप्लीट ऑल चैलेंज टू बी एबल टू अपग्रेड दी गैस स्टेशन। ठीक है, हमारे पास एक और चैलेंज आ गया है कि आपको है ना, कितनी कार है भाई, 7 कार है शायद, 7 कारों के अंदर तो फ्यूल डालना है एंड सोप कस्टमर सर्व, तो 25, तो यहाँ पे है ना अपने को 25 बंदों को सामान बेचना है और कार रिपेयर करनी है 5 बंदों की। उसी के बाद हम अपने गैस स्टेशन को नेक्स्ट अपग्रेड कर पाएंगे। तो एक बार भाई पुलिस वाला आ चुका है इसका, है ना, ज्यादा वेट नहीं करवाते हम, तेल डाल देते हैं। ठीक है, तो आज की गेम प्ले वीडियो में बस इतना ही। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर कर देना। बाय बाय।